नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। तो शुरुआत कर लेते हैं फास्ट मनी के 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज जो हम आज के सत्र में आपको बताएंगे। पर उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम देखते हैं रेगुलरली, ग्लोबल संकेत। तो सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी का ही देख लेते हैं कि कैसा रुझान दिख रहा है। आशीष बताइए प्लीज। एसजीएक्स निफ्टी को अगर देखें तो कुशल कुछ साफ संकेत देखने को नहीं मिल रहे। हालांकि एक थोड़ी सी ऊपरी स्तरों से जो दो दिन से लगातार हम तेजी दिखा रहे हैं वहाँ से थोड़ी सी एक मुनाफा वसूली के संकेत जरूर देखने को मिल रहे हैं आज भारतीय बाजारों में भी। और 12376 के स्तर पर फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी काम कर रहा है केवल 14 अंकों की गिरावट के साथ। लेकिन अमेरिकी बाजार पर अगर आप रुक करें तो वहाँ पर भी जो है सिमिलर रुझान है। वहाँ पर भी लगातार तेजी के बाद आज थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ नजर आया रहा। और आप S&P 500 नस्डाक में देखें तो बहुत ही मामूली गिरावट के ठीक कल इसका रुझान रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो ट्रेड डील की बातें अभी तक चल रही थी वो पूरी की पूरी जितनी तेजी डाउ जोन्स में अब तक बनी है वो फैक्टर इन हो चुकी है। तो अब आज के दिन ऐसा माना जा रहा है कि ट्रेड डील जो है हो जाएगी। दोनों देशों के बीच जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लेन देन होने थे उस पर जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगे थे वो अब हटने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं इस डील के तहत। तो हमें ये देखना इम्पोर्टेंट होगा कि इस डील में क्या निकल कर आता है एट द एंड ऑफ द डे जब वो लोग दोनों हस्ताक्षर करते हैं इस पर। तो ये आपको देखना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ओवरऑल क्रूड का जो ट्रेंड दिख रहा है वो तो गिरावट का ही दिख रहा है। पर कल के सत्र में अगर आप देखें तो $64 प्रति बैरल के आसपास क्रूड आपको नजर आ रहा है। तो हमें यह भी देखना होगा कि भारतीय बाजार इस क्रूड की जो गिरावट हो रही है कैसे रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल कुछ खास संकेत देखने को नहीं मिल रहे अंतरराष्ट्रीय बाजारों से। लेकिन कुशल आज की सूची के साथ अगर शुरुआत करें तो उससे पहले देख लेते हैं कल जो हमने आपको 20 स्टॉक्स बताए थे वहां पर कैसा प्रदर्शन देखने को मिला था। मैंने मेजॉरिटी स्टॉक्स आपको खरीदारी के बताए थे और सबसे पहला मैंने नाम आपको बताया था मरीको का और वहां पर एक मूव जो है मिसिंग था, ट्रेंडिंग नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन अपोलो टायर्स में देखिए एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर जो ब्रेकआउट था उसका असर देखने को मिला और स्टॉक में 2 से 2.5% की तेजी देखने को मिली थी दिन के दौरान। इसके अलावा ब्लू स्टार में काफी बढ़िया अक्यूमुलेशन है, अक्यूमुलेशन के ऊपर ब्रेकआउट हो चुका है 1% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। और कल का स्टार था लूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर 3 से 4% की तेजी देखने को मिली थी। रेंज से बाहर निकला था जो एक रेंज थी उसे में बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला था लूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज में। साथ ही NLC इंडिया यहाँ पर भी 1 से 1.5% की तेजी देखने को मिली थी। मेटल स्टॉक्स कल काफी फोकस में थे और सेल ने पूरे ही स्टील पैक को लीड करते हुए नजर आए, 2 से 2.5% की तेजी देखने को मिली। शुगर स्टॉक्स फोकस में थे, उससे जुड़े हुए कुछ स्टॉक्स थे जैसे प्राज इंडस्ट्रीज था वहां पर भी तेजी देखने को मिली। फर्स्ट सो सॉल्यूशंस ये भी काफी बढ़िया मूव दिया, 2 से 2.5% की तेजी यहाँ पर भी देखने को मिली। बिल्कुल आशीष, 80% का स्ट्राइक रेट रहा आपका कल के सत्र में। तो अब मेरे शेयरों की भी बातचीत कर लेते हैं। कल जो मैंने आपको रेकमेंड किए थे उसमें आप देखिए वेदांता मेटल काउंटर्स मेरे फोकस लिस्ट में थे और साथ साथ जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थी वो मेरी फोकस लिस्ट में थी। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो वेदांता और NMDC जैसे शेयरों में अच्छी जो है बढ़त आपको देखने को मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चाइना की तरफ से प्रोडक्शन कट की बात की जा रही है 2020 में नया स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं लगेगा तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट साफ साफ स्टील कंपनियों में आता हुआ नजर आया। इसके अलावा हिंडालको में भी देखिए करीब 1.5 से 2% की तेजी कल के सत्र में आपको जो है बढ़त आपको देखने को मिली। इसके अलावा अगर आप ओवरऑल OMCs भी देखेंगे तो HPCL जैसे शेयरों में अच्छा उछाल दिखा, साथ ही BPCL में भी बढ़िया रुझान देखने को मिला, 1.5 से 2% की तेजी यहां पे भी रही। साथ ही इलेक्ट्रोड जो बनाने वाली कंपनियां हैं जैसे कि मैं कल बता रहा था आपको कि स्टील की प्रोडक्शन जब भी बढ़ती है तो जो इलेक्ट्रोड वाली कंपनियां हैं उनको काफी फायदा होता हुआ नजर आता है। तो HEG और ग्रेफाइट इंडिया इन दोनों में भी 2.5 से 3% तक की तेजी कल के सत्र में बनती हुई नजर आई। और M&M यहां पर टेक्निकली काफी स्ट्रांग लग रहा था चार्ट तो 1.5 से 2% तेजी यहां पर भी दर्ज हुई। बिल्कुल काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला। हालांकि कल खास बात ये थी कि बाजार में कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेड मूवमेंट नहीं था, काफ़ी ज़्यादातर दिन के दौरान फ्लैट ही रहा था बाजार। लेकिन कुशल आज की सूची के साथ शुरुआत करें इससे पहले समझ लेते पहले मैं बता दूं आज मेरे पास कोई भी स्ट्रॉन्ग सेल कॉल नहीं है, कोई भी नहीं है। नतीजा आए थे इंडसइंड बैंक के लेकिन वहां पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स में देख रहा था काफ़ी अनिश्चितता बनी हुई है। विप्रो देखे काफ़ी बढ़िया तेज़ी दिखा दी, टेक्निकल तौर पर अगर आप देखें तो बढ़िया ब्रेकआउट है, तेज़ी की उम्मीद है लेकिन जो नतीजे थोड़े कमजोर साइड पर जरूर दिख रहे हैं। तो एक अनिश्चितता है जिसके चलते मैंने सेल कॉल को आज अवॉइड किया और 10 के 10 स्टॉक्स मेरी सूची में खरीदारी किया। आशीष मेरा भी रुझान कुछ ऐसा ही है पर एक स्टॉक ऐसा है जो मेरे सूची में आज सेल कॉल्स में है, ऑब्वियसली वो खबर के लिहाज से ही है। पर कहीं ना कहीं मार्केट का जो मोमेंटम है वो आज के सत्र के लिए हमें जो ट्रेडिंग के लिहाज से लेना है वो खबर बेसिस पर्टिकुलरली मेरे साइड से लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मूवमेंट है वो क्लियर मूवमेंट हमें आज के सत्र में नहीं नज़र आ रहा है।
तो बिल्कुल कुशल, आज की सूची के साथ शुरुआत कर लेते हैं और मेरी सूची में सबसे पहला नाम है खरीदारी करने का, फार्मा स्पेस से जुड़ी हुई कंपनी है और बिंदु फार्मा। और कल देखा था हमने काफी एक्शन में था ये स्टॉक और एक टेक्निकल एनालिस्ट में एक आम सहमति बनती हुई नजर आई, काफी लोगों ने उसके ऊपर बाय कॉल दिए और वो अचीव भी हुए थे, तेजी भी दिखाई थी। अरविंदो फार्मा को लगातार मैं काफी महीनों से ट्रैक कर रहा हूँ, एक छोटी सी रेंज फॉर्म हो गई थी डेली चार्ट पर अगर आप देखें, और लंबे ब्रेकआउट की मैं उम्मीद कर रहा था, काफी बार मैंने शो के दौरान इस स्टॉक को रिकमेंड भी किया है, लेकिन तब जो है ब्रेकआउट नहीं हुआ था। अब फाइनली ऐसा लग रहा है कि डेली चार्ट्स पर लंबी गिरावट के बाद एक रिवर्सल देखा जा रहा है, रेंज से भी बाहर निकला है स्टॉक, कल 4.5% चला था, तो आज भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि ऐसे जो स्टॉक्स हैं वो अपना अपमूव आज भी जारी करते हुए नजर आएंगे। 480 के आसपास की क्लोजिंग है, 450 के ऊपर निकलते ही मैं बोला था आपको काफी बार कि एक पॉजिटिव हो जाता है, तो आज के सत्र में 495 रुपए के लक्ष्य के लिए इसमें खरीदारी करेंगे और केवल 6 रुपए नीचे 474 का एक टाइट स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। साथ ही दूसरा नाम है मिर्जा इंटरनेशनल, यहाँ पर देखिए काफी बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला है कल के सत्र में और एक बढ़िया जो एक चैनल फॉर्मेशन हो गया था डेली चार्ट पर, इस चैनल फॉर्मेशन के ऊपर ब्रेकआउट हो चुका है और ये स्टॉक ऐसा है कि लंबी तेजी दिखाता है, इंट्राडे मूवमेंट जब भी आता है बहुत कम फोकस में रहता है, बट जिस दिन भी आएगा एटलीस्ट 4-5% का मूव तो इसमें जरूर देखने को मिलता है। यहाँ पर 67 रुपए के लक्ष्य के लिए इसमें खरीदारी करेंगे और 62 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसलिए मेरी सूची में पहला कॉल नतीजों से ही शुरुआत करते हैं जिसमें माइंट्री आप देखिए यहां पर नंबर जो है अनुमान से बेहतर रहे हैं, खासकर अगर आपको मार्जिन्स में देखना हो तो करीब हमारा 1.3% बढ़ने का अनुमान था मार्जिन का, जबकि उसके मुकाबले 2.5% मार्जिन्स बढ़ती हुई नजर आई है, तो जाहिर सी बात है कि मार्जिन्स लिहाज से और मुनाफे के लिहाज से काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस माइंट्री ने शो की है। इस तिमाही में करीब 46% की बढ़त इनके मुनाफे में हमें देखने को मिली है, तो ओवरऑल नंबर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो माइंट्री आपको इसी टच पर आपको बाई करके चलना है, 887 का टारगेट रखना है और 855 का स्टॉप लॉस। इसके अलावा मेरी सूची में जो एकमात्र सेल कॉल है पूरी सूची में वो है कैनरा बैंक का, यहां पर ऑब्वियसली खबर है कि जो कैनफिन होम्स में ये हिस्सेदारी अपनी बेचने की बात कर रहे थे उसको इन्होंने वापस ले लिया है, वो इनका जो है 30% स्टेक था इसमें और वो यही बेचने की बातचीत कर रहे थे, पर बिडर्स की तरफ से कोई खास ईओआई नहीं मिलता आया जिस वजह से इन्होंने ये जो प्लान है डिसइन्वेस्टमेंट का कैनफिन होम्स में वो वापस ले लिया है, तो कैनरा बैंक जो है प्रेशर में आ जा सकता है, 210 का टारगेट रखना है और 218 का स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरी सूची में एस्कॉर्ट्स, और कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो स्टॉक ने तेजी दिखाई थी और आज भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं तेजी जारी होती नजर आएगी। देखिए वैसे भी ऑटो स्पेस से जो जुड़े हुए स्टॉक्स हैं ऑटो एंसिलरी उनमें काफी ज्यादा पिटाई होगी है, तो अब लगातार ये अपना कंटिन्यूस अप ट्रेंड देंगे तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। एस्कॉर्ट्स में मेरा भरोसा आज भी बना हुआ है कि यहाँ पर आज भी आपको एक अनएक्सपेक्टेड बढ़िया मूव देखने को मिलेगा, 698 रुपए के लक्ष्य के लिए इसमें खरीदारी करेंगे और 666 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगला स्टॉक है मेरी सूची में सिप्ला, देखिए अरविंदो फार्मा की तरह ये भी एक छोटी सी रेंज में सिमटा हुआ था, लेकिन इस स्टॉक की खासियत यह है कि जब तक कोई बड़ी खबर नहीं आती मूव नहीं देता है, तो यहाँ से देखिए ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक लक्ष्य ध्यान में नहीं रखे, 1.5-2% की तेजी के लिए यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, 500 रुपए के लक्ष्य के लिए मैंने इसको चुना है खरीदारी करेंगे और 478 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। बिल्कुल, तो आशीष जब बाजार में कोई क्लियर मूवमेंट अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो कहीं ना कहीं जो फार्मा स्टॉक्स हैं डिफेंसिव स्टॉक्स हैं वो काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नज़र आते हैं, और अगर खबर का उसको सपोर्ट मिल जाए तो कहीं ना कहीं उसमें और ज़्यादा तेज़ी आ सकती है, तो उसी तर्ज पर मेरा जो अगला स्टॉक मैंने चुना है वो है अजंता फार्मा का। यहाँ पर USFDA से इनको एक दवा के लिए मंजूरी मिल गई है, ये HIV डिसीज़ को जो क्योर करने में दवा का उपयोग होता है, तो कहीं ना कहीं USFDA की तरफ से इस ड्रग के जो अप्रूवल मिला है वो काफी पॉजिटिव साबित हो सकता है अजंता फार्मा के लिए। 1100 का लक्ष्य रखना है इसी तर्ज पर और 1067 रुपए का स्टॉप लॉस बनाना है। इसके अलावा एक और फार्मा स्टॉक है मेरी सूची में अलेम्बिक फार्मा, छोटे टिकट काउंटर्स हैं, यहां पर भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है आज, क्योंकि इनको भी एक मसल रिलैक्टेंट जो मांसपेशियों की दवा है उसके लिए मंजूरी मिल गई है USFDA से, तो कहीं ना कहीं अलेम्बिक फार्मा भी उसी तर्ज पर काफी फोकस में रह सकता है, 575 का टारगेट आपको इसमें बनाना है और 556 का स्टॉप लॉस। पांचवा स्टॉक है मेरी सूची में FMCG क्षेत्र से जुड़ा हुआ है मेरिको, कल भी मैंने स्टॉक को चुना था देखिए, और आप एक खास बात नोटिस करके देखिए तो आज जितने भी FMCG स्टॉक्स हैं काफ़ी बढ़िया मूव दिखा रहे हैं, चाहे आप HUL देख लीजिए, इवन इनफैक्ट ITC जो मूव ही नहीं देता है काफ़ी डेड स्टॉक इंट्राडे बेसिस पर अगर आप देखें, लेकिन ITC में भी कल के सत्र में बढ़िया तेज़ी देखने को मिली थी, इमामी भी काफ़ी कंफर्टेबल है चार्ट पैटर्न्स, और कोलगेट की भी बात करें तो वो भी बढ़िया लग रहा है, लेकिन मेरिको में जो पैटर्न है काफ़ी एविडेंट है, काफ़ी विजिबल है, इसकी जो लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी है बाकी सब स्टॉक से कहीं ज़्यादा नज़र आ रही है,
और वैसे भी अगर एफएमसीजी क्षेत्र में देखें तो मेरिको की पिछली तिमाही के नतीजों के बाद काफ़ी पिटाई भी हो चुकी है। मेरा भरोसा मेरिको के ऊपर इंटैक्ट है, हालांकि कल हम देख रहे थे कि कल काफ़ी छोटी सी रेंज में रहा, इसमें कोई भी मूव नहीं आया, ना गिरावट देखने को मिली, ना स्टॉक बढ़ा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज क्योंकि अब सारे ही एफएमसीजी स्टॉक्स में एक बढ़िया रिवर्सल देखने को मिल रहा है, मेरा भरोसा मेरिको पर बना हुआ है। 355 रुपये के लक्ष्य के लिए इसमें खरीदारी करेंगे और 340 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। मेरी सूची में आखिरी कॉल है पांच स्टॉक्स में सिक्वेंट साइंटिफिक का। यहाँ पर आपको खरीदारी की राय इसलिए दी जा रही है क्योंकि कल के सत्र में अगर आप देखें तो करीब 10% की तेज़ी इसमें बनी थी, तो और ये तेज़ी क्यों बनी थी, कहीं ना कहीं ये फैक्टर इन हो रहा है कि जो एक पी निवेशक है वो कंपनी का अधिग्रहण कर सकता है और डील साइज आप देखिए 2500 करोड़ की डील साइज ये हो सकती है, तो कहीं ना कहीं सिक्वेंट साइंटिफिक के लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है और इसी तर्ज पर आपको इसमें खरीदारी करने की राय दी जा रही है। 2-3% का आज उछाल आपको इसमें फिर से देखने को मिल सकता है, तो 86 का लक्ष्य इसमें बनाना है और 82.5 का स्टॉप लॉस रखना है। तो चलिए 10 स्टॉक्स की सूची पूरी होती है, जल्दी से रिकैप देख लेते हैं। मैंने शुरुआत की थी अरबिंदो फार्मा के साथ, कल तेजी देखने को मिली थी 4-5% की, मुझे लग रहा है आज भी तेजी जो है जारी होती नजर आएगी। मिर्जा इंटरनेशनल रेंज से बाहर निकला है, 67 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है और एस्कॉट्स में भी आज एक अपमूव एक्सपेक्टेड है। सिप्ला में खरीदारी करनी होगी 500 रुपए के लक्ष्य के लिए और एफएमसीजी स्टॉक्स काफी एक्शन में नजर आ रहे हैं। मेरिको को मैंने चुना है 355 रुपए के लक्ष्य के लिए, इसमें लॉन्ग पोजिशन लेंगे। मेरी सूची में पहला कॉल है माइंडट्री का, यहाँ पर आपको खरीदारी की राय है। नंबर्स जो है अनुमान से काफ़ी बेहतर आते हुए नजर आए हैं, खासकर मार्जिन्स फ्रंट पर। कैनरा बैंक भी आपको बेचकर चलना है क्योंकि यहाँ पर जो कैनफिन होम्स में हिस्सेदारी बेचने की योजना थी उसको इन्होंने वापस ले लिया है, तो इस पे प्रेशर आता दिख सकता है। पर अजंता फार्मा और एलिम्बिक फार्मा में आपको खरीदारी कर चलनी है, USFDA से इनको दोनों को अपने एक एक ड्रग के लिए मंजूरी मिल गई है। और अंत में सिक्वेंट साइंटिफिक, करीब 2500 करोड़ में ये कंपनी का अधिग्रहण एक पी निवेशक कर सकते हैं और कल भी ये 9-10% चलता हुआ नजर आया था, आज भी इसमें पॉजिटिव मूव आता दिख सकता है। चलिए सूची को आगे बढ़ाते हैं। मेरी सूची में अगला स्टॉक है, खरीदारी करनी होगी, गैस स्पेस से जुड़ा हुआ है गेल। इसमें देखिए काफी दिनों से हम देख रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बिल्डअप होते हुए नजर आ रहा है, ब्रोकरेज हाउस की लगातार पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं, साथ ही आज भी एक रिपोर्ट आई है क्रेडिट स्वीस की, जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ लगभग 171 रुपए के लक्ष्य दिए गए हैं, 30-35 रुपए की अपसाइड यहां से एक्सपेक्ट की जा रही है गेल में। तो मेरे हिसाब से एक कंजर्वेटिव बाय होगा आज के सत्र में, 135 रुपए के लक्ष्य के लिए आपको इसमें खरीदारी करनी होगी और केवल 2 रुपए नीचे 128 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही दूसरा नाम है HDFC AMC का, देखिए यहाँ पर काफी बढ़िया पैटर्न है और लगातार ये स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई पे बना रहता है, लेकिन यहाँ पर एक हल्की सी एक शॉर्ट टर्म गिरावट देखी गई थी थोड़े दिन पहले और उसके बाद अब कहीं ना कहीं रिवर्सल के संकेत देखे जा रहे हैं। हालांकि जो रिवर्सल का पैटर्न है बहुत शॉर्ट टर्म है नेचर में, इसके ऊपर ज्यादा रिलाय नहीं किया जा सकता, लेकिन HDFC AMC का अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखें और बाकी इंडिकेटर्स के साथ इसका कंफर्मेशन करें तो आप एक फ्रेश अपसाइड को रूल आउट नहीं कर सकते। स्टॉक टेक्निकली स्ट्रांग है, फंडामेंटली बहुत बेहतर स्ट्रांग है, ऐसे में यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। HDFC AMC में आप खरीदारी करके चल सकते हैं, आज के सत्र में 3210 रुपए के लक्ष्य के लिए इसमें खरीदारी करेंगे और 3100 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगला स्टॉक मेरी सूची में है L&T इन्फोटेक का, देखिए नंबर्स के लिहाज से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, आज के सत्र में इसके नतीजे आने हैं और अगर मैं नंबर्स को देखूं तो वहां पे आप मुनाफे को देखेंगे तो जो Q3 है वो सीजनली जो है वो वीक क्वार्टर रहता है, सॉफ्ट क्वार्टर रहता है क्योंकि छुट्टियाँ रहती हैं, तो जाहिर सी बात है कि L&T इन्फोटेक पे भी प्रेशर आता दिख सकता है, पर नंबर्स जो हम अनुमान कर चल रहे हैं उस लिहाज से काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है। मार्जिन फ्रंट पर करीब 1.25% की बढ़त आपको देखने को मिल सकती है और साथ साथ अगर आप इनका कामकाजी मुनाफा देखें तो वहां पे भी 13% की बढ़त आपको देखने को मिल सकती है, तो कहीं ना कहीं L&T इन्फोटेक कल के सत्र में भी पॉजिटिव रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेशंस में ही 2.5-3% चलता हुआ नजर आया था, आज भी ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोमेंटम जारी रह सकता है, तो 1935 का लक्ष्य रखना है और 1865 का स्टॉप लॉस बनाना है। इसके अलावा एक और स्टॉक मेरी सूची में जो टेक्निकली जो है स्ट्रांग लग रहा है वो है हीरो मोटोकॉर्प का। यहां पर आप देखिए कितने दिनों से जो है हीरो मोटोकॉर्प पे गिरावट का रुझान आपको देखने को मिल रहा था, पर कहीं ना कहीं ये रिवर्सल हमें एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए अब, क्योंकि अब पॉजिटिविटी ऑटो स्टॉक्स में भी बनती हुई नजर आ रही है। मारुति सुजुकी भी अच्छा लग रहा है पर हीरो मोटोकॉर्प मेरे को कंपैरेटिवली ज्यादा पसंद आ रहा है, तो 2450 का इसमें भी लक्ष्य रखना है और 2395 का स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरी सूची में सिटी यूनियन बैंक और देखिए काफी इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न, अगर आप देखें तो आपको एक ट्रायंगल फॉर्मेशन दिखेगा डेली चार्ट पर और ट्रायंगल फॉर्मेशन के ऊपर ब्रेकआउट भी हो चुका है।
कुछ ना कुछ इस स्टॉक के अंदर काफी पॉजिटिव होने वाला है, इसका एक इंडिकेशन आपको टेक्निकल चार्ट पर देखने को मिल रहा है। बहुत कंफर्टेबल बाय लग रहा है मुझे, यहाँ पर खरीदारी करनी होगी आज के सत्र में 242 रुपए के लक्ष्य के लिए और 231 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही दूसरा नाम है वेदांता का। देखिए कल 3 से 3.5% की तेजी देखी गई थी और ओवरऑल जो मेटल स्टॉक्स हैं काफी पॉजिटिव दिखा रहे हैं। हालांकि एक खास बात नोटिस करने वाली ये थी कि स्टील स्टॉक्स ऊपरी स्तरों से काफी गिर गए थे, बाकी के जो मेटल स्टॉक्स में कल के सत्र में तेजी आई थी वो थोड़ी सी मुनाफा वसूली में चली गई, लेकिन वेदांता का जो ट्रेंड था ट्रेंड इंटैक्ट रहा, तेजी इंटैक्ट रही और टेक्निकल आधार पर अगर आप देखें तो ब्रेकआउट में दम काफी ज्यादा नजर आ रहा है। आज जैसे कि ट्रेड डील के ऊपर जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा, फेज वन डील के ऊपर हस्ताक्षर हो सकते हैं, इसका एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। 165 के आसपास की क्लोजिंग है, आपको 170 रुपए के लक्ष्य के लिए इसमें खरीदारी करनी होगी और 163 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगला स्टॉक मेरी सूची में है पीएफसी का, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। यहाँ पर पॉजिटिविटी इन स्टॉक्स में बन सकती है क्योंकि अब खबरों के लिहाज से ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं बजट में 2.9 ट्रिलियन रुपीस की आपको इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम अनाउंस हो सकती है। तो ये जब भी ऐसा पावर रिलेटेड कुछ भी पॉजिटिव आता है और बजट में जो एक्सपेक्टेशंस है वो अगर साबित हो जाती है तो पीएफसी के लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है। तो 125 रुपए का लक्ष्य इसमें बनाना है और 1:1 का आपको स्टॉप लॉस बनाना है। इसके अलावा एक और पावर ट्रेडिंग कंपनी है मेरी सूची में, यह है पीटीसी इंडिया। आपको इसमें भी खरीदारी करने की राय है क्योंकि 60% पावर ट्रेडिंग की ये वॉल्यूम जो है अपने मार्केट शेयर में होल्ड करता है, तो कहीं ना कहीं पीटीसी इंडिया भी काफी पॉजिटिव साबित हो सकता है और इसमें भी आपको खरीदारी कर चलनी है। करीब 64 रुपए का लक्ष्य आपको इसमें बनाकर चलना है और 64 रुपए 50 पैसे का और 62 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस बनाना है। आखिरी स्टॉक है मेरी सूची में पावर ग्रिड का, और देखिए काफी इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न है। डेली चार्ट पर अगर आप देखें तो एक शॉर्ट टर्म इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर के ऊपर ब्रेकआउट हो चुका है और इस स्टॉक के अंदर आपको आगे आने वाले समय में बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। अब ये आज होता है कि कुछ दिन बाद होता है, ये आपको क्लोजली वॉच करना होगा, लेकिन डेफिनेटली इस स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। 201 रुपए के लक्ष्य के लिए आज इसमें खरीदारी करनी होगी और 192 केवल 3 रुपए नीचे इसमें एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। आखिरी स्टॉक मेरी सूची में है बाटा इंडिया का। यहाँ पर आपको खरीदारी की राय दी जा रही है क्योंकि पॉजिटिविटी जो है इसके चार्ट्स में नजर आ रही है, तो साफ साफ जाहिर सी बात है कि बाटा इंडिया जो है टेक्निकल आधार पर काफी स्ट्रांग लग रहा है। तो 1800 का लक्ष्य अचीव करने के लिए आपको इसमें ट्रेड करना है और 1750 का स्टॉप लॉस बनाना है। तो चलिए 20 स्टॉक्स की सूची पूरी होती है, जल्दी से रिकैप देख लेते हैं। मैंने आपको 10 स्टॉक्स खरीदारी के बताए थे, शुरुआत की थी मैंने औरबिंदो फार्मा के साथ, यहाँ पर 495 रुपए के लक्ष्य के लिए इसमें खरीदारी करेंगे। मिर्जा इंटरनेशनल में ब्रेकआउट है, 67 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है और एस्कॉर्ट्स और सिप्ला टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आप लॉन्ग पोजिशन ले सकते हैं। मेरिको में जो डबल बॉटम है वो इंटैक्ट है, यहाँ पर आज 355 रुपए के लक्ष्य के लिए इसमें लॉन्ग पोजिशन लेंगे। साथ ही गेल पर जो क्रेडिट स्वीस की रिपोर्ट आई है उसका असर आपको देखने को मिलेगा। एचडीएफसी एएमसी में एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल देखा जा रहा है, यहाँ पर आपको बाइंग आते हुए नजर आएगी। साथ ही सिटी यूनियन बैंक टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, ट्रायंगल पैटर्न है, यहाँ पर 242 रुपए के लक्ष्य लिए खरीदारी करेंगे और ट्रेड डील पर जो लगातार पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहे हैं टेक्निकली भी वेदांता काफी स्ट्रॉन्ग है, 170 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। पावर ग्रिड में शॉर्ट टर्म इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, 201 रुपए के लक्ष्य लिए इसमें खरीदारी करेंगे। पहला स्टॉक मेरी सूची में माइंड ट्री का है, नंबर्स के लिहाज से काफी बढ़िया आते हुए दिखे हैं मार्जिन्स आधार पर खासकर। इसके अलावा कैनरा बैंक, आप देखिए कैनफिन होम्स में इन्होंने जो हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई थी उसको वापस ले लिया है, तो प्रेशर कैनरा बैंक पर आता दिख सकता है। साथ ही अजंता फार्मा और एलिम्बिक फार्मा को USFDA से एक एक ड्रग के लिए अप्रूवल मिलता हुआ नजर आया है और डिफेंसिव स्टॉक्स है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों स्टॉक्स में पॉजिटिविटी दिख सकती है। इसके अलावा सिक्वेंट साइंटिफिक, यहाँ पर एक बड़े पी निवेशक जो है वो इस कंपनी का अधिग्रहण कर सकते हैं, 250 करोड़ की डील एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा मैंने जो स्टॉक्स रेकमेंड किए हैं उसमें L&T इन्फोटेक, आज इसके नंबर्स आने हैं और नंबर्स के लिहाज से मार्जिन फ्रंट पे और पॉस्ट जो है प्रॉफिट फ्रंट पे पॉजिटिव लग रहा है। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प टेक्निकली स्ट्रांग लग रहा है और बजट में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स पर बड़ी घोषणाएं संभव हैं, तो पीएफसी और पीटीसी इंडिया फोकस में रह सकते हैं और बाटा इंडिया यहां पर टेक्निकली भी चार्ट स्ट्रांग लग रहे हैं, तो इसमें भी खरीदारी की राय है। तो चलिए कुल मिलाकर हमने आपको 19 स्टॉक्स खरीदारी के और एकमात्र स्टॉक बिकवाली का बताया। फास्ट मनी में आज के लिए इतना ही।